सो स्टार्ट करने से पहले आई एम राहुल एंड आपको डाउनलोड करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप जिसपे मैं वेरीफाइड एडुकेटर हूँ और आपको सर्च बार में सर्च करना है राहुल मोहिले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो है अमालगमेशन के बारे में। अमालगमेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जो आप ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो आपको बैलेंस शीट बनाते वक्त कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होगा। अमालगमेशन का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाता है बिकॉज इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स को कि विच अमाउंट्स टू बी कंसिडर्ड इन द बैलेंस शीट एंड विच अमाउंट्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। वॉट टू बी कंसिडर वाइल द एक्विजिशन एब्जॉर्प्शन और परचेज एज द केस और विच अमाउंट्स टू बी कंसिडर फॉर द मर्जर एज द केस। तो पहले कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं अमालगमेशन के बारे में। अमालगमेशन में क्या होता है कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करता है तो उसे हम एक्विजिशन एब्जॉर्प्शन या परचेस के नाम से जानते हैं। इफ वन कंपनी टेक्स ओवर अनदर कंपनी इट इज कॉल्ड एज एक्विजिशन एब्जॉर्प्शन और परचेस। से फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी ने बी कंपनी का बिजनेस अगर टेक ओवर कर लिया तो ए कंपनी न्यू कंपनी बन जाएगा, बी कंपनी ओल्ड कंपनी बनेगा और ऐसे सिचुएशन को अमालगमेशन को एक्विजिशन या एब्जॉर्प्शन बोला जाएगा। एंड द सेकेंड केस विल बी इफ टू कंपनीज मर्ज टुगेदर इंटीग्रेट्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपनी इट इज कॉल्ड एज मर्जर। जब ए और बी आपस में मिल जाएंगे और एक तीसरा कंपनी फॉर्म हो जाएगा, मे बी ए बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, तो that is called as merger. So this is the basic meaning and amalgamation के जितने भी rules and regulations है that is as per accounting standard 14 given by ICAI. फिलहाल अभी हम rules पढ़ेंगे, rules for preparing balance sheet. बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या रूल्स है और क्या आप चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो मैं सारे आपको बताऊंगा। सो दैट ये अगर बेसिक चीज़ें आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको बैलेंस शीट का जो पोस्टिंग हम करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अमालगमेशन के जो बेसिक जर्नल एंट्रीज है और मेथड्स ऑफ परचेस कंसिडरेशन के ऊपर, तो वो भी वीडियो जल्दी से अपलोड हो जाएगा ताकि वो वीडियो आप प्रॉपरली देखें ताकि अमालगमेशन के बेसिक्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल हम बात करने वाले हैं रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग दी बैलेंस शीट अंडर दी अमालगमेशन एज कंसर्न। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल लेते वक्त आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर लेना है और उसमें न्यू कंपनी का ही इक्विटी शेयर में परचेस कंसिडरेशन का इक्विटी शेयर प्लस करना है। तो न्यू कंपनी का जो भी न्यू कंपनी होगा उसका इक्विटी शेयर लेना है, उसमें परचेस कंसिडरेशन में जितने इक्विटी शेयर्स दिए हैं वो ऐड करने हैं। सिमिलर इज द केस विद प्रेफरेंशियस। प्रेफरेंशियस भी आपको न्यू कंपनी का लेना है, उसमें प्रेफरेंशियस जो परचेस कंसिडरेशन का है वो ऐड करना है। अगर सेम रेट रहा तो आप ऐड कर सकते हो और अगर डिफरेंट रेट रहा तो आपको अलग अलग लिखना है। तो बेसिक इज न्यू कंपनी प्लस परचेस कंसिडरेशन यू विल गेट द शेयर कैपिटल, बट वी हैव टू राइट इंडिविजुअल इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियस डिफरेंटली। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का सिंपल और बेसिक रूल है, सारे रिजर्व्स आपको न्यू कंपनी के ही लिखने हैं, एक भी रिजर्व आपको ओल्ड कंपनी का नहीं लिखना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व आपको दोनों का लिखना है। तो ऑल रिजर्व्स वी हैव टू टेक ऑफ न्यू कंपनी, बट स्टैट्यूटरी रिजर्व विच इंक्लूड स्टैट्यूटरी रिजर्व एज द मेन पॉइंट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये सारे रिजर्व्स आपको दोनों कंपनी के प्लस करके लिखने हैं। तो रिजर्व्स का बेसिक रूल क्या है, ऑल रिजर्व्स ऑफ न्यू कंपनी एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ बोथ। द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर्स, टर्म लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन आता है, वो भी आपको दोनों का प्लस करके लिखना है। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर बिल्स पेबल आता है, वो भी आपका दोनों को प्लस करके लिखना है, लेकिन अगर कुछ एडजस्टमेंट रहा इंटर कंपनी एडजस्टमेंट, इंटर कंपनी म्यूचुअल ड्यूज का, तो वो आपको माइनस करना है क्रेडिटर्स में से भी और सेम अमाउंट आपको माइनस करना है डेटर्स में से भी। सिमिलर बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल में भी सेम है, दोनों का प्लस करना है और कुछ अगर एडजस्टमेंट रहेगा तो वो अमाउंट आपको डिडक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड पेबल्स। तो दिस इंडिकेट्स दी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड जिसमें आपके मैक्सिमम मिस्टेक होने के चांसेस है। फर्स्ट पॉइंट शेयर कैपिटल और सेकेंड पॉइंट रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें ही मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिक्स असेट्स में टैंजिबल असेट्स आपको याद रखना है, टैंजिबल असेट्स वी हैव टू टेक रिवैल्यूड फिगर्स ओवर हियर। इन इनटैंजिबल असेट्स वी हैव टू टेक गुडविल। गुडविल जो आपके जर्नल एंट्री में आपको मिला होगा, जर्नल एंट्री नंबर
थर्ड या जर्नल एंट्री जो आप असेट्स और लाइबिलिटीज का करते हैं उसमें आपको गुडविल बैलेंसिंग फिगर मिला होगा, तो वो गुडविल को हमें यहाँ पे इंटेंजिबल असेट्स में लिखना है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको दोनों का प्लस करके लिखना है, बट एक चीज याद रखना है असेट्स के पॉइंट्स को पोस्टिंग करते वक्त, एंड दैट इज ऑल असेट्स आर टू बी रिकॉर्डेड एट रिवैल्यूड फिगर्स, दोनों का प्लस करके इंक्लूडिंग सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स विच आर अवेलेबल। करंट असेट्स में वी कैन डिवाइड इंडिविजुअली एज इन्वेंट्रीज, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स कॉल्ड एज डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जिसमें कैश और बैंक आ जाएगा, तो ऐसे पॉइंट्स आपको डिवाइड करने हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट के कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताए, अगर ये बेसिक चीज़ों का फॉलो करेंगे तो अमालगमेशन में जो कन्फ्यूजिंग फैक्टर है जो स्टूडेंट्स को यूजुअली कन्फ्यूज करता है वो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर परचेस कंसिडरेशंस वर्किंग नोट एंड योर जर्नल एंट्रीज। तो परचेस कंसिडरेशन के मेथड्स के ऊपर और जर्नल एंट्रीज के ऊपर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। टिल देन ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट ऐसे वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और सेमेस्टर 6 के लिए मैं काफ़ी अच्छे वीडियोस और प्रिपेयर करूँगा सो दैट उससे आपको आपके एग्जाम में बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।